जो लोग आज इस सत्याग्रह को टेलीविजन पे देख रहे हैं, उनका मैं भी यहां स्वागत करता हूं। देश एक आवाज होती है और आज जो हमने प्रियम्बल पढ़ा, संविधान पढ़ा, वो हिंदुस्तान की जनता की आवाज थी। उस आवाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आवाज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया, प्यार से, शांति से, मगर बिना पीछे हटे। उसी आवाज ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया, भाखड़ा नंगल बनाया, रेलवे लाइनें लगाई, एयरपोर्ट बनाए। उस आवाज के बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस आवाज को दबाया जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की उन्नति को नष्ट किया जाए, तोड़ा जाए। देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की शक्ति, हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए, और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका। अजीब सा दिन है, जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगा के कोशिश करने की, पूरे दम लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उन्नति नष्ट हो जाए, हमारी उन्नति नष्ट हो जाए और देश की आवाज शांत हो जाए, चुप हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जब आप जुडिशरी पे दबाव डालते हैं तो आप देश की आवाज को चोट पहुंचाते हैं। जब आप स्टूडेंट्स पर लाठी चलवाते हैं, गोली चलवाते हैं, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश करते हो। जब आप हमारे जर्नलिस्ट यहां जो खड़े हैं, जब आप इनको डराते हो, इनको दबा पे दबाते हो, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं से रोजगार छीनते हो, नोटबंदी करते हो, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को, छोटे दुकानदारों को दबाते हो, आप देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, आप कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, गलत फहमी में मत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।